नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप धायल में। आज हम हरियाणा के जो करंट अफेयर्स जो 2017 के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, जो कि HSSC के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो इस वीडियो में जो है हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो भी जो आने वाले एग्ज़ाम्स है, जैसे कि पंचायत ऑफिसर हो गया, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, हरियाणा पुलिस, हरियाणा के ड्राइवर कंडक्टर इत्यादि जो भी आगे जो भर्तियां हैं निकली हुई हैं और इनके जो भी पेपर होंगे तो उनमें ये काफ़ी सहायक होंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हरियाणा के ताज़ा घटनाक्रम। तो सबसे पहले है कि किसे हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो यह जो है चुना गया है साक्षी मलिक को। साक्षी मलिक जो है ये ओलंपिक में इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस क्षेत्र को 22वां जिला घोषित किया गया है? तो अभी जो 22वां जिला जो बना है यह बना है चरखी दादरी। चरखी दादरी को जो है वो मुख्यतः भिवानी से काट कर बनाया गया है। तो इससे पहले जो है भिवानी जो है सबसे बड़ा जिला था हरियाणा का, परंतु तो अभी चरखी दादरी के बनने के बाद जो है वो सिरसा जो है सबसे बड़ा जिला है हरियाणा का। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 2016 को कौन सा हरियाणा दिवस मनाया गया है? तो यह जो है 51वां हरियाणा दिवस मनाया गया है, क्योंकि हरियाणा की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा ने ड्राइवरों को कौन से कार्ड जारी किए हैं? तो ये जो कार्ड हैं ये पेट्रो कार्ड जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कृषि विभाग को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो अभी जो है कृषि विभाग का नाम रिसेंट में ही चेंज किया गया है, तो कृषि विभाग का नया नाम है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। यह जो है कृषि विभाग का नया नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह जो बागवानी विश्वविद्यालय जो है हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, यह है अंजनथली जो कि करनाल जिला में है। नेक्स्ट है, किस शहर में ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी हेतु अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण सुविधा केंद्र का शुभारंभ हुआ है? तो यह हुआ है हरियाणा के मानेसर में, मानेसर जो कि गुड़गांव में है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में किस गांव का नाम बदलकर सरस्वती रखा गया है? सरस्वती नगर रखा गया, यह रखा गया है मुस्तफाबाद का। यह जो यमुनानगर जिले में है। नेक्स्ट है, हरियाणा में दिव्यांगों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो दिव्यांगों के लिए जो है यह योजना है अनुकूल ग्रह नामक योजना। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा मुक्केबाज हाल ही में पेशेवर बॉक्सर बना है? तो यह जो है विजेंद्र सिंह है, यह पेशेवर प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जो है अभी खेल रहे हैं। इन्होंने जो अपने भी लगभग 6-7 मुकाबले हुए हैं तो वो सारे मुकाबले इन्होंने जीते हैं। तो ये एशियन मिडिल वेट चैंपियन भी चैंपियन है। तो विजेंद्र सिंह है, यह भिवानी जिले से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पत्रिका का क्या नाम है? तो यह केयूके यूनिवर्सिटी की पत्रिका, इसका नाम है कलानिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह जो समिट है यह भी रिसेंट में हुई थी थोड़े टाइम पहले गुड़गांव में। नेक्स्ट है, किस राज्य में हाल ही में सलामती परियोजना आरंभ की गई है? सलामती परियोजना जो ये हरियाणा में स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है, किस शहर में हरियाणा के प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ है? तो यह जो है करनाल जिले में हुआ है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रखा है? तो भी जो गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम रखा गया है।
नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किन दो राज्यों के साथ रेलवे ट्रैक के दोनों ओर पेड़ लगाने हेतु समझौता किया है? तो यह जो है हरियाणा और पंजाब, इनके साथ जो है रेलवे ने समझौता किया है कि रेलवे ट्रैक के दोनों ओर पेड़ पौधे लगाए जाएं। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में राज्य में पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ किया है? तो यह हरियाणा में स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, ये जो है हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एनसीआर टैक्सी स्कीम 2016 को मंजूरी प्रदान की है? तो यह हरियाणा ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने मेदंता द मेडिस्टी अस्पताल के साथ मिलकर कितने वर्षों में प्रदेश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो सरकार ने जो है 5 वर्षों में प्रदेश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, टीबी मुक्त हरियाणा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो जो टीबी मुक्त के लिए जो है यह अमिताभ बच्चन को जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए 27 मार्च 2016 को अनुकूल ग्रह नामक योजना आरंभ की गई है? तो यह जो है हरियाणा के द्वारा स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा द्वारा जनवरी 2016 को किस व्यक्ति की स्मृति में 150 रुपये मूल्य का सिक्का जारी किया गया था? तो यह जो है वो लाला लाजपत राय की स्मृति में जारी किया गया था। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राज्यपाल जो है वो राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है। नेक्स्ट है, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम कार्यक्रम किससे संबंधित है? यह है जो है ध्वजारोहण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 का हरियाणा का बजट कितने रुपए का है? तो यह जो बजट है यह 1,02,329.35 करोड़ रुपए का है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत केसरी दंगल का हरियाणा सरकार द्वारा कहाँ आयोजन किया गया है? तो यह दंगल जो है यह चौधरी देवलाल स्टेडियम में किया गया है, जो कि गुड़गांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत केसरी दंगल का विजेता कौन रहा? तो इसमें जो है ये मौसम खत्री है, यह विजेता रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत केसरी विजेता को कितनी राशि पुरस्कार में दी गई है? तो इन्हें जो है वो 1 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने लिंग निर्धारण या महिला भ्रूण हत्या के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए 1 लाख रुपए नकद पुरस्कार की शुरुआत की है? तो यह जो है हरियाणा ने की है, ताकि लिंगानुपात में सुधार हो। अभी जो है काफी सुधार हो चुका है लिंगानुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जिसने अपनी खेल नीति में बधिर ओलंपिक यानी कि डिफ्लिंपिक्स को शामिल किया है? तो यह हरियाणा ने किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने कौन सा संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो यह है क्या है, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, हरियाणा में राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल किस जिले में खोला गया है? तो यह खोला गया है झज्जर जिले में, झज्जर जिले के मातनहेल गांव में खोला गया है। नेक्स्ट है, कौन सा एयरपोर्ट आईबीसी उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित हुआ है? तो यह हुआ है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है पंचकुला जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया है राई में, जो कि सोनीपत जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में फरीदाबाद में बन रही स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का क्या नाम होगा? तो इसका जो नाम जो है वो रखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़गांव का नाम बदलकर क्या रखने का हाल ही में फैसला किया गया है?
तो अभी जो है गुड़गांव का नाम जो है वो गुरुग्राम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवात जिले का नया नाम क्या रखने का फैसला लिया गया? तो अभी जो है मेवात जिले का नाम रखा गया है नूह, अभी जो इसको नूह से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह है जो है कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व कमेंट करें व इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मेरे चैनल संदीप धायल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जो मेरे आने वाले वीडियोज़ हैं, जो मैं हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करता हूँ, उसकी अपडेट मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।